बहुत बड़ी विडम्बना है। यहाँ तक की बात है कि जब हम नौकरी जब रिटायर होंगे हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे जो घर के परिवार के जो बच्चे हमें क्या किस तरीके से हमें रखेंगे अपने पास, ये उम्मीद नहीं है। और एक एएनएम ने तो बोल ही दिया कि हमें धक्के मार के बाहर कर देंगे। आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? ज्योतिमाला बरुआ जी। सर मैं यहाँ पे 2001 से हूँ। 2001 से? हाँ 2001 से हूँ। वैसे मैंने LNJP से स्टाफ नर्स का कोर्स किया हुआ है, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एएनएम के पोस्ट में अपना काम कर लूँ। लेकिन इस नौकरी ने मेरी ज़िंदगी मतलब बदल के ही रख दी कि मेरा बच्चा अच्छी बच्चा है और उसमें मुझे 5,000 रुपये मिलती थी। मेरा किराया 2,500 का था और 2,500 खाने का चलता था। तो हम घर तक जाने के लिए हमें, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं अंडमान निकोबार की हूँ, और इस 5,000 में घर नहीं जा पाती मैं, क्योंकि मेरे अभी जब पापा की सडनली 2005 में डेथ हुई थी तो मैं जा नहीं पाई। मैंने फ़ोन में मेरे पापा को मैंने कॉल करी, मेरे पापा फ़ोन में बात करते करते चले गए। मैं 5,000 में मैं ज़िंदगी काट रही थी। अभी मेरी 18,000 सैलरी है, लेकिन आज तक हम तीनों फैमिली कभी इकट्ठे घर नहीं गए। कभी मैं बच्चे को भेजती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड को, कभी मैं अकेले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सैलरी नहीं जो अपने घर जाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश है कि हमारे कुछ वेतन, समान वेतन दे दें हमें, ताकि हम अपना कुछ गुजारा सही तरीके से कर सकें। बस इतना ही गुजारिश है।